देखिए, केंद्र सरकार का एक ऐसा काला अध्यादेश जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को बदल देता है, मैं समझता हूँ कि ये देश के संविधान के लिए बहुत खतरनाक है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारत के लोकतंत्र और संविधान को लेकर सपना देखा था, उस सपने के खिलाफ है। तो आज इस महारैली के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि आइए हम सब एक साथ मिलकर इस काले कानून का विरोध करें, इस काले अध्यादेश का विरोध करें, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को जो गिराने का काम किया गया है, इसके खिलाफ हम लोग एकजुट हों। दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने प्रचंड बहुमत से जो सरकार चुनी है, उस सरकार के अधिकारों की लड़ाई लड़ें। तो ये आज इस महारैली का मकसद। निश्चित रूप से वो संविधान के एक अच्छे जानकार हैं और इस पूरे मामले में उन्होंने भी पैरवी की है पुरजोर तरीके से, तो वो आ रहे हैं। कपिल सिब्बल जी सवाल उठा रही है, पूरी दिल्ली में पोस्टर्स लगाए गए हैं, उनका कहना है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप है उससे ध्यान हटाने की पूरी कवायद है। देखिए, दुनिया में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जनरेटर अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इनके सारे मुख्यमंत्री उठा के देख लीजिए, आसाम का मुख्यमंत्री वाटर घोटाले में फंसा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री व्यापम घोटाले में फंसा, कर्नाटक का पूर्व मुख्यमंत्री माइनिंग घोटाले में फंसा, नेता इनका सदन विपक्ष का बंगाल के अंदर शारदा स्कैम नारदा स्कैम में फंसा, खुद देश के प्रधानमंत्री अडानी के साथ मिलकर लाखों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, भाजपाइयों को भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का हक है? पूरे देश और दुनिया में सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश को लूटने का काम किया है। एक ही अडानी को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ सौंपते जा रहे हैं, आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ एक व्यक्ति के नाम कर दिया इस व्यक्ति ने। सभी गैर भाजपा दल आपका समर्थन कर रहे हैं, आप लोग जा भी रहे हैं, एक बड़ा बयान है उमर अब्दुल्ला का, उन्होंने कहा है कि आप आम आदमी पार्टियां समर्थन मांग तो रही है लेकिन जब 317 आ रहे थे तो उसके खिलाफ जाकर सदन में वोट किया था बीजेपी। मैंने उनका बयान सुना नहीं क्या उन्होंने कहा है, बाकी जहां तक विपक्षी दलों का सवाल है, सारे विपक्षी दल एकजुट होकर आम आदमी पार्टी का साथ दे रहे हैं।